समाचार पे टास्क फोर्स रिजर्व इंस्पेक्टर और सीसीएस टीम इंस्पेक्टर रूम जाके वहाँ चेक करें तो पाँच पैकेट्स वहाँ पोजिशन में मिला, आपको सील करके इसे तो कन्फ्यूशन इंटरेक्ट इन्फॉर्मेशन करके सीनियर प्रेसिडेंट से बात करें। ये कन्फ्यूशन से और इंटरव्यू से ये इन्फॉर्मेशन हमें मिला। ये लोग पांच लोग अक्षय खंडोली, शिशिर चौहान, राहुल सलीम, कपीश अग्रवाल और रोहित राव, ये पांच लोग कन्नौली और चौहान तो लाभों से इंटरनेट परचेस में छोड़ दिया, बाकी तीन लोग अभी पढ़ रहे हैं। दो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं। रोहित राव इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। ये लोग कन्नौली और शिशिर दोनों थाईलैंड फर्स्ट टाइम 2014 में नवंबर के महीने में गोवा घूमने के लिए गए थे। उधर वहाँ उन लोगों को पार्टनर से नाकुटी ड्रग्स के बारे में पता लगा और उन लोग वहाँ वो नाकुटी ड्रग्स लेके उनका उनसे मजा लिया। वो मजा से उन लोग वहाँ से ड्रग्स ला के इधर हैदराबाद में उनका फ्रेंड सर्किल में और दूसरे लोगों को हायर प्राइस में पैसे कमाने के बारे में वो लोग वहाँ एक एक ब्लाट को 500 रुपये से खरीद के यहाँ आके तो 1000 रुपये और 1200-1600 रुपये ऐसा बेच रहे थे, उससे पैसा कमाने लगे और बार बार गोवा गोवा जाके ड्रग्स लेके आया था। वहीं के 2012 में कार बिजनेस का बिजनेस हिस्सा लेके मुंबई शहर आए थे। वहाँ पे मुंबई शहर में 2 साल एक कोकेन और एलएसडी ड्रग्स वहाँ बेच के लास्ट 2014 में हैदराबाद को आया। हैदराबाद में सैनिकपुर में एक मकान किराए पर लेके वहाँ स्टूडेंट्स को और दूसरे लोगों को ये नाकुटी ड्रग्स सप्लाई कर रहा है। ये महीने में एक बार दो बार मुंबई जाके वहाँ से ये ड्रग्स ला के यहाँ हैदराबाद में इनके द्वारा ये अक्षय कनौली और शिशिर चौहान के द्वारा ये ड्रग्स भेज रहे हैं। तो इन लोगों से 48 ग्राम्स ऑफ कोकीन और 207 स्टैम्प्स ऑफ एलएसडी ड्रग, 10 ग्राम 84 रुपये बरामद किया गया। ये 6 लोगों को कोर्ट में पुलिस करके बाद में पुलिस कस्टडी को लेके इन लोगों से फिर फर्दर इंटरोगेशन करने के बाद ये नेटवर्क पूरा नेटवर्क कहाँ से लाया, कैसे लाया और ये नेटवर्क में और भी कोई बड़े लोग हैं उनके बारे में फर्दर इंक्वायरीज करना था।